सबसे पहले तो HCL टेक जिसके रिजल्ट्स पर रिएक्ट करना है। फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, ठीक है। एक चीज अच्छी थी कि जितना गिरने की एक्सपेक्टेशन थी, आशंका थी, उतनी आय नहीं गिरी, पर फिर भी गिरी 1.6% और बाकी के सारे नंबर्स बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड था। इवन गाइडेंस भी जस की तस मेंटेन्ड है, जिसकी अपन चर्चा कर चुके हैं, तो नंबर्स इन लाइन है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नंबर्स हमने वैसे ही पहले इसके क्वार्टरली अपडेट पर रिएक्ट कर रखा था, जो नहीं पता था इसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस नहीं पता थी, और वो अच्छी है। ग्रॉस मार्जिन साल दर साल ओ क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हो रहे हैं, एबिटा मार्जिन फ्लैट है 8.7% पे, तो अच्छे रोल आउट्स के बीच में वो जो नए नए क्या कहते हैं उसे रेडीज और ये सब ऐड कर रहे थे, उसके बीच में रोल आउट के बीच में मार्जिन इंटैक्ट नजर आए। कुछ और रिजल्ट स्टैक रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। इरिडा नंबर्स तो अच्छे हैं, 5 पैसा ये तो बहुत तेज चल रहा है, मैंने तो देखा था सीक्वेंशली मार्केट शेयर वगैरह गिर रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छा मूव दिखा रहा है। जियोजीत फाइनेंशियल के नंबर्स अच्छे अभी चर्चा में निकल कर आया, भंसाली इंजीनियरिंग मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इसके अच्छे खासे, पर ये भी चल रहा है। अरबिंदो फार्मा रेडार पर रखिए स्टॉक को, थर्सडे को बोर्ड मीट है, पहली बार बायबैक प्रपोजल पे बोर्ड विचार करने जा रहा है, हरकत में स्टॉक है। ऐसे ही कई और फार्मा स्टॉक्स, यूएस एफडीए ने अलग अलग प्लांट की जांच करी थी, अपडेट्स आए। ल्यूपिन के प्लांट को क्लीन चिट, नो एक्शन इंडिकेटेड। सिप्ला वॉलेंट्री एक्शन इंडिकेटेड। पिरामल फार्मा नो एक्शन इंडिकेटेड, कोई आपत्ति नहीं। और सुवेन लाइफ साइंसेज को 2 ऑब्जर्वेशन मिले, लेकिन वो भी फ्लैट या ग्रीन में ही नजर आ रहा है। सेबी की आज एक इंटरेस्टिंग एफएनओ एक्सपर्ट कमिटी की बैठक, जिसमें वायदा कारोबार में रिस्क घटाने पर फोकस है, पर स्टॉक्स अनडेटर्ड चल रहे हैं। एक्सचेंज को रखिए रडार पे, सारे के सारे दिग्गज ब्रोकिंग कंपनीज को रखिए रडार पे। टाटा स्टील फिच ने इसका रेटिंग आउटलुक रिवाइज कर दिया है, निगेटिव कर दिया है, यूके बिजनेस की अनसर्टिनिटी के बीच में स्टॉक फ्लैटी है। जोमैटो 1 रुपए अपनी प्लेटफॉर्म फी बढ़ा दी है, अच्छी खबर। रिजल्ट्स में आज HDFC लाइफ, HDFC AMC, जियो फाइनेंशियल, एंजल वन और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। और हाँ, रिजल्ट्स में एक स्पाइसजेट भी दिखा देता हूं अलग से आपको, लेकिन स्पाइसजेट के जो रिजल्ट्स आने हैं वो दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर के आने, पुराने पेंडिंग रह गए FY24 के, आज वो नंबर्स आने वाले ना कि आने वाले। इसमें हमेशा BSE का स्टॉक दिखाइए तो हरकत में नजर आएगा। ये सब स्टॉक्स रखिए अपने रडार पे। शुक्रिया आशीष, शुक्रिया इन सभी स्टॉक्स को, आई थिंक न्यूज वाले और नंबर्स को स्क्रीन पर रखने के लिए विद प्राइस सेक्शन। अब आते हैं निफ्टी की फ्रीज ट्रेजेक्ट्री पे, इट्स 24587, यानी हम अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में खुलेंगे, फ्रेश ऑल टाइम हाई। अनुज, लेवल्स टू वॉच निफ्टी, निफ्टी बैंक, और अगर किसी खास समूह और ग्रुप के स्टॉक्स पर या फिर सेक्टोरल स्टॉक्स पर नजर रखनी है तो वो क्या होगा? फिर आज मुझे लग रहा है थोड़ा फार्मा पे ध्यान दें एज अ सेक्टर, क्योंकि आपने पूछ लिया तो पहले मैं उसका जवाब दे देता हूँ। एक बार निफ्टी फार्मा देखते हैं क्या कर रहा है, क्योंकि फार्मा में आज 3-4 अच्छी न्यूज़ हैं, ऑरोबिंदो पर, लूपिन पर, सिप्ला पर, पिरामल पर, तो इसके लिए फार्मा पर ध्यान रखें। निफ्टी के अप्रोच पर आते हैं, 24400 से 24500 ऑप्शन के हिसाब से अच्छा सपोर्ट है, और उसके बाद ऑब्वियसली बड़ा सपोर्ट आपका 24331 जो फ्राइडे का लो था। अब देखिए हम खुल कहाँ रहे हैं, 24587 पर। फ्राइडे का हाई क्या था, 24592, तो ये अगेन वही है, पहला रेजिस्टेंस वहीं है, वहीं खोल रहे हैं। ये क्रॉस हुआ तो 24650 से 24715 जो ऑप्शंस का जोन है, ये मार्केट डे ट्रेडिंग में उतना शायद आपको रिवॉर्ड ना करे, बाय एंड होल्ड पर रिवॉर्ड करे। बाय जोन होगा 24450 से 24550 और एक स्टॉप लॉस होगा 24331, और अगर 24592 24600 स्ट्रांगली रिजेक्ट हो रहा है तो एक प्योरली इंट्राडे में एक सेल ट्रेड ओपन होगा 24650 के स्टॉप लॉस के साथ। निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, लगातार एक व्यू ये मेरा रहा है कि निफ्टी बैंक को भी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। इवन फ्राइडे को निफ्टी बैंक एक्चुअली डे लो पर बंद हुआ था और डे हाई से 500 पॉइंट फिसला था। 10 दिन से एक व्यू ये है कि अभी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बैंक निफ्टी कोलैप्स कर रहा है, 20 डेमा को भी डिफेंड कर रहा है लोअर लेवल पर। तो या तो 53,000 के ऊपर बंद हो जाए या 51,800 के नीचे बंद हो जाए, तभी बैंक निफ्टी में ट्रेड है। अदरवाइज निफ्टी और इंडिविजुअल स्टॉक्स या IT, फार्मा, FMCG, ये आपको ज़्यादा अच्छे ट्रेंड्स दे रहे हैं।